प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लक्षद्वीप के कवरत्ती में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद वर्षों तक केंद्र में जो सरकारें रहीं उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपने राजनीतिक दल का विकास था। जो दूर सुदूर के राज्य हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। श्री मोदी ने कहा कि बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सीमावर्ती और समंदर के अंतिम छोर के इलाकों को अपनी प्राथमिकता में रखा है। दशकों तक केंद्र में जो सरकारें रही उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपने राजनीतिक दल का विकास था। जो दूर सुदूर के राज्य हैं, जो बॉर्डर पर है या जो समंदर के बीच में है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो समंदर के आखिरी छोर के इलाके हैं, वहां हमने उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाया है। भारत के हर क्षेत्र, हर नागरिक का जीवन आसान बनाना, उसे सुविधा से जोड़ना ही केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में पहली बैटरी चालित और सौर ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण भी किया है। इससे डीजल आधारित बिजली उत्पादन संयंत्रों पर द्वीप पर निर्भरता कम होगी।